मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम में जिन 470 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया है, समाज सेवा में उनका अनुपम योगदान है और इस अनुपम योगदान के लिए आप नवाजे गए हैं। इस अलंकरण के माध्यम से उनके प्रति हम उनकी कर्तव्य निष्ठा, जनसेवा, जनार्दन सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, आप इस सेवा में लगे हैं, जन सेवा, इससे बड़ी सेवा नहीं होती है। मेरा नाम अश्विनी कुमार, माता पिता ने बचपन में नाम बदल करके अश्विनी कुमार मेरी दादी ने रख दिया। कहा बेटा, मैं बहुत रोया, कहा अश्विनी कुमार इसलिए नाम रखा हूं कि तुम देवताओं के वैद्यराज के जैसा चिकित्सक बनोगे। मैं डॉक्टर तो नहीं बन पाया, लेकिन डॉक्टर के दहेज में आकर के डॉक्टर के साथ कंधे से कंधे मिला करके सेवा करने का अवसर मिला। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, अगर कोई अच्छा काम किया होगा तो अगले जन्म में मुझे जरूर डॉक्टर बना दे। भाई और बहनों, आज कहते हैं कि डॉक्टरों का जीवन परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय जो सतान विभूते, या न पिवंती नदिया स्वमेव नाम भा स्वयं न खादान्ति फलानी वृक्षा नादान्ति स्वयं खलु वारिवाह। परोपकाराय सतान विभूते, या श्लोक नो फल वृक्ष फल खाता है, उसी प्रकार से चिकित्सक दूसरों की सेवा में लगा रहता है। उसके लिए न कोई जाति है, न कोई धर्म है, उसके लिए एक ही है, चिकित्सा धर्म, जन सेवा। चिकित्सक गण जिस भाव से काम करते हैं, इस पर मुझे गर्व है। मैंने बहुत निकटता से इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी दुनिया के अंदर शायद पहली बार मुझे वैसा मौका मिला था, और मैंने बिहार के अंदर उस इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी को लेकर के जहां एक अम्ब्रेला के तहत मैंने चिकित्सा, चिकित्सक आपके द्वार तभी होगा बिहार और देश का उद्धार, इसी कल्पना से मैं आगे बढ़ा और दुनिया के तमाम देशों में शायद पहली बार उस प्रकार का जो गांव गांव में 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेला मुझे लगाने का बिहार में अवसर मिला। उस 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेले में सब प्रकार के चिकित्सा को एक साथ लेकर के, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुष से लेकर के एक्यूप्रेशर, इन तमाम लोगों को साथ लेकर के मैंने आगे बढ़ाने का, होम्योपैथ से लेकर आयुर्वेद, आयुर्वेद जगत के लोगों को। और उस कैंप में रात के 2-2, 3-3 बजे नहीं बल्कि होल नाइट वो कैंप लगा रहता था, ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। और वो 11,000 स्वास्थ्य कुंभ मेला 3 साल तक 33,000 गांव के अंदर हम स्वास्थ्य कुंभ मेला लेके जा पाए, और महाकुंभ भी जिसमें देश के जाने माने बड़े बड़े एम्स से लेकर के उसके चिकित्सक, मुख्यमंत्री, गवर्नर उन कार्यक्रमों में आते रहे। लगभग बिहार में उस समय 10.5-11 करोड़ की आबादी नहीं होगी, 1,76,00,000 लोगों का ट्रीटमेंट हुआ। और लगभग एक रोगी जाता है तो 2 रोगी उसके पास साथ जाता है, कम से कम 2 उनके सहयोगी जाते हैं। तो ऐसे कहा जाए तो लगभग 4 करोड़ के लगभग लोगों को हमने स्वास्थ्य कुंभ मेला में बुलाने का काम किया। हमारे लिए जीवन का वो वरदान है, शायद प्रभु ने केदारनाथ की यही कृपा होगी कि मुझे अभी तक का, अगर केदारनाथ ने वहां से 2013 के त्रासदी में मुझे स्वपरिवार जो विलीन हो गए थे, यहाँ बड़े बेटे हैं, सब लोग आज बच के आया हूँ, तो प्रभु राम के काम को करने के लिए कुछ आयु उन्होंने दे दिया। प्रभु राम का काम बाकी है, जहां जनता को स्वस्थ रखना, समाज को स्वस्थ रखना, प्रकृति को स्वस्थ रखना। और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा
आपने बहुत जनता का सेवा किया है। स्वास्थ्य सेवा, जनता का स्वास्थ्य देखते थे, अब प्रकृति का स्वास्थ्य देखते, प्रकृति रक्षति रक्षता, धर्म रक्षति रक्षता, प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी, धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगी। धर्म मनुष्य का क्या, गीता रामायण पढ़ना केवल धर्म नहीं, धर्म जो कर्म है वही हमारा परम धर्म है। आज हमें अपने कर्म को अच्छा करने की आवश्यकता है। भाई और बहनों, कहा गया है आत्मार्थम जीव लोके अश्विन कोनो जीव की मानव परम परोपकारार्थ जो जीवती जो से जीवती यो जीवती से सौ जीवती, याना इसका दुनिया में अपने लिए तो सब जीते हैं, हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें बुद्धि भी दिया, और इसलिए जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जो जीते हैं सच्चे अर्थों में, उन्हीं लोगों का जीवन सार्थक जीवन होता है। और आप चिकित्सा जगत के लोग, आपको कभी भी नरक नहीं मिलने वाला, आपको स्वर्ग ही मिलता है, नैसर्गिक सुख आपको प्राप्त होता रहेगा। मैं आज के बहुत सारी बातें वहाँ से नेट का, हमारे बहुत सारे भक्ताओं ने राउटर तोड़ दिया था, मैं इतना ही कहूंगा जो लोग मानव सेवा नहीं, माधव सेवा, मानव सेवा जा रहा है, माधव सेवा वो हरिओम पे चल रहा है, कनेक्शन नहीं लगाया, नेट पे नहीं लगाया, जन सेवा जनार्दन सेवा, मैं तो यही है। आज पूरा देश स्वास्थ्य के जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहाँ आयुष चिकित्सा का काफी बढ़ोतरी हो रहा है, होम्योपैथी आयुर्वेद के जगत में जहां हम काफी आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म इन तमाम विषयों पर उनकी गहराई से चिंतन होती है, मंत्रियों से बातचीत करते हैं और उसके प्रगति और प्रोन्नति में वो उत्साहित भी करते रहते हैं, देश के अंदर भी राज्यों में। तो आज मैं आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में वहां राम लला का दर्शन भी मुझे करना है, और आज जो अयोध्या महोत्सव पिछले साल उद्घाटन किया था, आज उसका उद्घाटन भी सायंकाल करना है। तो मैं आप सब लोगों से मुक्त होता हूँ थोड़ी देर के लिए, हम तो मिलते ही नहीं, एक और कर दूं, सेवा का भाव बनाते रखें। और इस बालक को, यह जो यहाँ नीतीश चंद्र दुबे देखने में छोटा है, लेकिन आज दुनिया के कई देशों में इसने इज्जत कमाया, नाम कमाया, हम सब लोगों को, हम लोगों को गौरवान्वित किया। ऐसे नीतीश होम्योपैथिक जगत में, छोड़ो यार, देश में हो जाएगा फिर। सबके आशीर्वाद लेके, जितने बड़े छोटे सबके आशीर्वाद लेके, ऐसे सुशील विनम्र चिकित्सक हो गया के माध्यम से होम्योपैथी की सेवा होता है, जो रात भर सोता नहीं, यात्रा करता और एक सप्ताह में पांच जगह बैठता है डिस्पेंसरी पर और लोगों का इलाज करता है। मुझे भी रास्ते में कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है, एक सप्ताह पहले मुझे आंख में कोई दिक्कत हो, मैंने टेलीफोन किया, मैं धनबाद जा रहा था मैं उस समय, और इसने तुरंत वहां दवा भेजवाया और मुझे उसका लाभ भी मिला। पिताजी पिछले बार में नागपुर गया था, वहां मुझे बहुत ज्यादा निमोनिया से ग्रस्त लग रहा था, और वैसी हालात में इनकी दवाई, ये तो अभी अभी स्टार्ट हुआ, इन्होंने वहां तुरंत कहा कि आपको लगता है एलोपैथ का दवाई को मैं खाता हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि पहले होम्योपैथी को खाऊं। बचपन से ही मनमोहन घोष डॉक्टर होम्योपैथ से, हमारे परिवार के डॉक्टर ज्यादातर पहले नहीं बंद हुआ, बहुत ही गोली जी चुरा चुरा के हम लोग स्कूल जाते थे और बाहर में रहता था, उनका गोली चुरा के खा लेते, मीठा लगता था, सात आठ घंटे बोलते बोलते मीठा, लास्ट में ये बोल रहे थे बहुत मीठा, और इसलिए होम्योपैथी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज मंत्री यहाँ स्वयं उत्तर प्रदेश में है, बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश बने,
जब तक आयुष का उत्तम प्रदेश और भी सर्वोत्तम होकर आएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी चिकित्सा समुदाय के बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि हमारे नीतीश आगे बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय चिकित्सा जगत, जय वंदे मातरम। आइए बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मुझमें राम। मैंने पिछले बार बक्सर की धरती पर, जो सिद्धाश्रम की धरती है, सिद्धाश्रम में जो अयोध्या के श्री राम, वो राम राजा राम ही केवल कहलाते। अगर वो बक्सर के सिद्धाश्रम में बाबा विश्वामित्र के शरण में नहीं जाते, उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं होती, तारिका का पद नहीं होता, तो राजा राम युवराज राम शायद ब्रह्मांड नायक नहीं कहलाते। मैं उसी धरती में केदारनाथ की कृपा से सेवा कर रहा हूं। और हमने पिछले साल सनातन संस्कृति समागम राम राज्य की ओर अंतरराष्ट्रीय धर्म संसद, जिसमें स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज जगत गुरु पद्म विभूषण, उनका आशीर्वाद, परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी और देश के कोने कोने से 7 देशों से लोग आए थे। 1.5 लाख लोग रोज वहां रहते थे, भोजन आवास, मुझे पता नहीं भगवान ने कैसे वो यज्ञ कराया। अब भगवान राम लला के मंदिर में 22 तारीख को लोग विराजमान, भगवान 22 को भगवान विराजमान होंगे। देश के कोने कोने से आप राम उत्सव घर घर में मनाइए, घर घर में मनाइए, दीप जलाइए। और अब ये युवा राम देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में, इस अयोध्या के राम लला अब पूरे दुनिया में भ्रमण करेंगे, जैसे त्रेता युग में इन्होंने किया था। तो पहले सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में भगवान राम को उनकी दुनिया की विशालतम मूर्ति पराक्रमी राम की, वो मूर्ति बनाने का हमारा संकल्प है, वो अभियान है कि दुनिया की विशालतम मूर्ति परम पूजनीय राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा 1008 फीट की वो मूर्ति बनेगी, 1008 फीट की मूर्ति बनेगी। और उसके लिए जमीन भी 1 साल में तलाश लिया संभव है। इस राम लला के उद्घाटन के बाद फरवरी और मार्च में उसका भी शुभारंभ ऐसे संतों महात्माओं, और मैं तो चाहूंगा कि देश के प्रधान सेवक के द्वारा वो स्वयं उसमें उपस्थित हो जाए, तो एक विश्व के अंदर एक तहलका मचेगा, आतताइयों का नाश करेगा। जो लोग सनातन धर्म पर गाली देते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, हिंदुत्व का बदनाम करते हैं, उनका नाश करने का दिन आ गया है। श्री राम लला में विराजमान हो चुके हैं, किसका मजाल कि हिंदुत्व और सनातन धर्म को गाली दे। राम लला यहाँ विराजमान हो चुके हैं, सब धर्मों का आदर करने का, सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राम सबके हैं, सबके राम लला है। मुझमें राम, मुझमें राम, एक ही राजा, एक ही राम। जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम। आइए सभी मिल करके अपने भाईचारा को अपनाते हुए, राम यहाँ की संस्कृति है, राम यहाँ की चेतना है, राम यहाँ की सभ्यता है, राम रोम रोम में रमा हुआ हर मानव के कल्याण का मार्ग श्री राम। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको फिर से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय सियाराम, नमस्कार।